Mansoor from the Department of English, Jayam Patil College, Bhandara. Today we are resuming our discussions on The Merchant of Venice, one of the best plays written by William Shakespeare. William Shakespeare द्वारा लिखे गए जो बेहतरीन 39 various plays है, नाटक है, उसमें एक बेहतरीन ड्रामा है The Merchant of Venice. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने शेक्सपियर कौन थे, किस प्रकार से उन्होंने अपने लिटरेरी करियर को शुरुआत की, किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल किया और किस प्रकार से अपनी लोकप्रियता को हासिल किया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बारे में हमने जानने चीजों के बारे में जानने की हमने कोशिश की. आज जिस इम्पोर्टेंट ड्रामा के ऊपर हम बात करने वाले हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो कौन था, बसानियो कौन था, क्यों उन्हें लोन लेना पड़ा, पोर्शिया के साथ शादी होती कि नहीं होती, ऐसे बहुत सारे सवालों को जानने की हम कोशिश करने वाले हैं. किसी भी ड्रामा को समझने के लिए, प्ले को समझने के लिए और एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है कि हम उस कहानी के थीम को, उस कहानी की स्टोरी को और कहानी के कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से समझ ले. इस कहानी के माध्यम से हम स्टोरी के थीम को भी समझने की कोशिश करेंगे, शेक्सपियर के कंट्रीब्यूशन को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो जो अलग अलग कैरेक्टर्स विलियम शेक्सपियर ने इस कहानी में इंट्रोड्यूस किए हैं, इस ड्रामा में इंट्रोड्यूस किए हैं, उन पात्रों के आपसी संबंधों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले. लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस. इन दोज डेज वेनिस वॉज अ वेरी प्रॉस्पेरस सिटी एंड इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स. इटली के बहुत प्रसिद्ध शहरों में वेनिस शहर का भी नाम है. ये उन दिनों की बात है जब वेनिस अपने व्यापार के लिए जाना जाता था, बहुत वैभवशाली शहर ये हुआ करता था. अलग अलग प्रकार के उद्योगी लोग यहाँ पर आते थे और अपने व्यापार को यहाँ पर करते थे. तो कॉमर्स के दृष्टि से, ट्रेड के दृष्टि से वेनिस बहुत बड़ा शहर हुआ करता था. देयर यू टू बॉसम फ्रेंड्स, ये वहां रहने वाले दो जिगरी दोस्तों की कहानी है और उनका नाम था एंटोनियो और बसानियो. ये दो नाम आपको कहानी के अंत तक ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये इस कहानी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं. कहानी है वेनिस शहर की, इटली के वेनिस शहर की. उस शहर में दो बहुत ही करीबी दोस्त रहते थे, एक का नाम था एंटोनियो और दूसरे का नाम था बसानियो. एंटोनियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. जब कैरेक्टर स्केच ऑफ एंटोनियो, कैरेक्टर स्केच ऑफ बसानियो, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे तो सबके बारे में आपको जानकारी सेपरेटली ध्यान में रखनी है. एंटोनियो वॉज अ रिच मर्चेंट एंड ओन मेनी शिप्स. ही वॉज काइंड हार्टेड, रेडी टू हेल्प नीडी. ही चार्ज वेरी लो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड वॉज वेरी पॉपुलर. ये कुछ चीजें एंटोनियो के बारे में इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले वो एक रिच मर्चेंट था. एंटोनियो वॉज अ रिच मर्चेंट, ही वॉज ऑल्सो डूइंग ट्रेड इन कॉमर्स. बहुत सारे शिप भी थे उसके पास, ओन मेनी शिप्स, माने पैसा बहुत ज्यादा था उसके पास. पर पैसा रहने के साथ साथ वो काइंड हार्टेड भी था और गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था एंटोनियो. अब जब कभी इंटरेस्ट से भी अगर लोन देने की नौबत आती तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पर वो जरूरतमंद लोगों को लोन देता था. एंटोनियो स्वभाव से बहुत अच्छा था. उसका एक दूसरा दोस्त था बसानियो, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं. कहानी का दूसरा इंपॉर्टेंट किरदार जो पात्र है वो है एंटोनियोस फ्रेंड बसानियो. बसानियो वॉज ए यंग नोबलमैन ऑफ वेनिस. वहां जो सरदार वगैरह हुआ करते थे, ऐसा ही एक सरदार बसानियो था. वंस ही वॉज वेरी रिच. अब ये बात समझने लायक है, एंटोनियो के पास बहुत सारा पैसा है, बसानियो भी नोबल मैन ऑफ वेनिस है, पर वो कभी किसी समय रईस हुआ करता था. अभी वो रईस नहीं है. क्यों? ड्यू टू हिज एक्स्ट्रावेगेंस, बहुत ज्यादा खर्चा करने की आदत के कारण, ओवर स्पेंडिंग और ज्यादा खर्चा करने के कारण ही बिकेम पुअर, वो गरीब हो जाता है. अब यहां से कहानी की सिचुएशन बनना शुरू हो जाती है. एंटोनियो के पास शिप्स है, बहुत बड़ा व्यापारी है, पैसा है. बसानियो अपने खर्चीले स्वभाव के कारण गरीब हो गया है. आगे क्या होता है कहानियों में वो भी जानते हैं. बसानियो फॉलन इन लव विथ पोर्शिया.
बचाने के पास पैसा नहीं है, पर प्यार तो हो गया, और प्यार करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। बजानियो पोर्शिया से प्यार कर बैठा। शी लिव्ड एट बेलमॉन्ट। पोर्शिया कहां पर रहती है? अब दूसरी जगह को हम डिस्कस करते हैं बेलमॉन्ट की कहानी। वेनिस और बेलमॉन्ट ये दो शहरों के बीच की है। शेक्सपियर यूनिटी ऑफ प्लेस को भी मेंटेन करने की चेष्टा करते हैं, पर कभी कभी यूनिटी ऑफ प्लेस को वो डाइवर्ट कर देते। यहां कहानी बेलमॉन्ट से वेनिस और वेनिस से बेलमॉन्ट ऐसे मूव होते हुए दिखाई देती है। शी लिव्ड एट बेलमॉन्ट। शी वॉज अ रिच हेयरेस टू द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय हर फादर। पिता के द्वारा छोड़ी गई अमाप संपत्ति की मालकिन पोर्शिया भी है। एंटोनियो के पास पैसा है, शिप्स है। बजानियो नोबल मैन है, जवान है, पर पैसा नहीं है, पर पोर्शिया से प्यार करता है। पोर्शिया के पिता ने उसके लिए बहुत सारी संपत्ति धन छोड़ दिया है और पोर्शिया बेलमॉन्ट में रहती है। पोर्शिया लिव्ड विथ हर यंग मेड नेरिसा। पोर्शिया अपने एक नौकरानी के साथ रहती है, उसका नाम है नेरिसा। हु वाज प्रेटी एंड इंटेलिजेंट। नेरिसा भी दिखने में बहुत सुंदर है और नेरिसा का भी रोल कहानी में सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में इंपॉर्टेंट रोल है। अब आगे कहानी में क्या होता है वो भी समझ लीजिए। बजानियो हैड फॉलन इन लव विद पोर्शिया एंड वांटेड टू मैरी हर। बजानियो पोर्शिया से प्यार करता है, शादी करना चाहता है, पर अड़चन तकलीफ कहां पर है? बट हैड नो मनी टू वेडिंग मटेरियल्स। शादी के लिए दुल्हन के अलग अलग गाउन्स लेने हैं, कार्डिगन्स लेने हैं, मैरिज गाउन लेना है, पर ये सब खरीदारी करने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं है बजानियो के पास। फिर बजानियो क्या करता है? यहां से कहानी में क्राइसिस शुरू हो जाते हैं और कहानी अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचेगी। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड एंटोनियो। अब एंटोनियो और बजानियो दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं। बजानियो को पैसे की जरूरत है, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। वो अपने दोस्त एंटोनियो को रिक्वेस्ट करता है टू लेंड सम मनी टू गो बेलमॉन्ट। वो बेलमॉन्ट जाना चाहता है ताकि पोर्शिया से शादी कर सके। एंटोनियो भी चाहता है कि पोर्शिया के साथ बजानियो की शादी हो जाए। ही ऑल्सो हैड हर्ड दैट सम यंग मैन ऑल्सो वेर ट्राइंग फॉर द हैंड ऑफ पोर्शिया। अब बजानियो बेलमॉन्ट जल्द से जल्द क्यों जाना चाहता है ये भी कहानी में इंपॉर्टेंट है जानना। उधर पोर्शिया की शादी के लिए दौड़ धूप शुरू है। बहुत सारे जवान राजकुमार अलग अलग देशों से पोर्शिया के शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ट्राइंग फॉर हर हैंड। एंड ड्यू टू दिस रश बेलमॉन्ट इज इन अ सिचुएशन, इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। बजानियो फील्स दैट पोर्शिया मे हा और माइट मे बी मैरिंग विद सम अदर प्रिंस। इस वजह से किसी दूसरे राजकुमार से उसकी शादी ना हो जाए, वो बजानियो बेलमॉन्ट जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है। बजानियो नीडेड 3,000 डुकेट्स। ये यूरोपियन गोल्ड कॉइन्स करेंसी है। डुकेट्स यूरोप में चलने वाले सोने के ये सिक्के होते थे, डुकेट्स। अब शादी करने बेलमॉन्ट तो जाना है बजानियो को। 3,000 अलग अलग अशर्फियों के सोने के सिक्कों की जरूरत है उसको, बट एंटोनियो हैड नो मनी। अब यहां पर कहानी में और ट्विस्ट आ गया। एंटोनियो रईस व्यापारी तो है, बहुत सारे जहाज तो है, पर जब बजानियो को पैसे की जरूरत है, एंटोनियो के पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शिप्स हैड गॉन ऑन द सी एंड हैड टू वेट टिल रिटर्न। एंटोनियो के जहाज समुन्द्र पे व्यापार करने के लिए चले गए हैं। जब तक वो माल लाद कर माल बेचकर वापस नहीं आते, तब तक एंटोनियो के पास पैसा नहीं आएगा। सारा का सारा पैसा उसने अपने शिप्स पर इन्वेस्ट कर दिया है। बजानियो को पैसे की जरूरत है, एंटोनियो के पास भी पैसा नहीं है देने के लिए। पोर्शिया से शादी तो करनी है, क्योंकि पोर्शिया से शादी करने के लिए अलग अलग राजकुमार ट्राई कर रहे हैं। अब ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होती जाती है बजानियो के लिए। बजानियो वॉज इन हरी एंड देयर फॉर एंटोनियो थॉट ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम द अनादर मनी लेंडर। अब ऐसे सिचुएशन में एंटोनियो और बजानियो दोनों को सोल्यूशन निकालने की सोचते हैं, और एंटोनियो ने एक विचार किया, क्यों ना पैसे दूसरे मनी लेंडर से, साहूकार से उधार ले लिए जाए। लेंडर इन वेनिस एंड हिज नेम इज शाइलॉक। अब इस कहानी में एक तीसरे चौथे किरदार का प्रवेश होता है।
शेक्सपियर ने जितने इम्पोर्टेंट विलेन्स अपने ड्रामा में क्रिएट किए हैं उसमें सबसे बड़ा नाम है शाइलॉक का। शाइलॉक एक जू धर्म से रिलेट करने वाला एक कैरेक्टर है। क्या ये एक बात भी जानने लायक है, एंटोनियो बजानियो और पोर्शिया क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं और शाइलॉक जू रिलीजन में बिलीव करता है। तो जू होने के कारण दोनों धर्मों के बीच में आपसी जो भी विवाद पुराने जमाने से रहे होंगे वो अपनी जगह पर है, पर यहां पर कहानी में वो चीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, शाइलॉक वर्सेस जू। अब एंटोनियो के पास पैसा नहीं है दोस्त की मदद करने के लिए, बजानियो की मदद करने के लिए पैसा तो देना चाहता है, फिर अंत में एंटोनियो निर्णय लेता है कि चलो शाइलॉक से पैसे उधार ले लिए जाए। पर शाइलॉक स्वभाव से दुष्ट व्यक्ति है, विकेड कैरेक्टर एंड यूज्ड टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट सूद ब्याज वो लेता था जो भी पैसे देता था। पीपल हेटेड हिम, लोग शाइलॉक का तिरस्कार करते थे। एंटोनियो एंड शाइलॉक बोथ वेयर मनी लेंडर एंड हैड राइवलरी। यहाँ और एक इम्पोर्टेंट बात है, एंटोनियो भी मनी लेंडर है, पैसे ब्याज से देता है, साहूकार है, शाइलॉक भी साहूकार है, तो दोनों एक ही व्यवसाय में होने के कारण देर इज अ राइवलरी, दुश्मनी है दोनों के बीच में। एंटोनियो हैड स्पोकन वेरी हार्शली। एक और कहानी का बैकग्राउंड है, शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में क्यों दुश्मनी है। एंटोनियो हैड स्पोकन वेरी हार्शली एंड इंसल्टेड शाइलॉक मेनी टाइम्स। एंटोनियो कई बार शाइलॉक का अपमान करता है, जब भी रास्ते में मिलता है खरी खोटी सुनाता है, एंड देयर फॉर शाइलॉक वॉज वेटिंग फॉर द चांस टू टेक रिवेंज। इस अपमान के कारण, एंटोनियो द्वारा बार बार किए जा रहे अपमान के कारण, शाइलॉक भी एंटोनियो से बदला लेने के लिए एक मौके की तलाश में है। और ये कौन सा मौका है, बजानियो डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बॉरोइंग मनी। बजानियो को ठीक नहीं लगता कि पैसे उधार ले लिए जाए, पर दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। बट एंटोनियो वॉज श्योर ऑफ रिटर्निंग मनी एज हिज लोडेड शिप वुड रिटर्न सून। पर यहाँ एंटोनियो और कॉन्फिडेंट है कि जहाज तो गए हैं व्यापार के लिए, 100% वापस आ ही जाएंगे। इस विश्वास में, विश्वास नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में एंटोनियो रहता है। शेक्सपियर के ड्रामास की एक खासियत है, सुपर नेचुरल एजेंसी, आसमान से आए हुए अलग अलग किरदार भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य खुद ही जिम्मेदार है अपनी गलतियों से, अपनी बर्बादी के लिए। ये शेक्सपियर ने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, ह्यूमन एरर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट डाउनफॉल इन द ड्रामाज ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो दे आर नॉट मेयर पपेट्स एट द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी, सिर्फ नियति के हाथों में खेलने वाली कठपुतलियां नहीं है। अपनी गलतियां किस प्रकार से अपनी बर्बादी की तरफ हमें ले जाती है, इस महत्वपूर्ण मैसेज को भी शेक्सपियर देना चाहते हैं। अब इतनी जद्दोजहद के बाद एट लास्ट एंटोनियो एंड बजानियो वेंट टू शाइलॉक। फिर पैसा तो लेना है, भले ही शाइलॉक ज्यादा इंटरेस्ट ले ले, पर अंत में दोनों निर्णय लेते हैं कि शाइलॉक के पास चला जाए। ही वॉज हैप्पी टू सी देम एट द डोर। दोनों को दरवाजे पर देखकर शाइलॉक तो खुश हो गया, बरसों से इस मौके की तलाश में था कि एंटोनियो से बदला लिया जाए। शाइलॉक हैज अ चांस टू टेक रिवेंज ऑफ हेट एंड इंसल्ट। जैसे ही उसे पता चलता है कि एंटोनियो और बजानियो पैसे उधार लेने के लिए आए हैं उसके पास, शाइलॉक को एक बहुत बेहतरीन मौका मिल गया। शाइलॉक शोन हिज डिस्प्लेजर फॉर एंटोनियोस इंसल्ट ट्रीटमेंट, बट प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंड एंड एग्रीड टू पे हिम लोन विदाउट इंटरेस्ट। अब शाइलॉक ने साफ सुथरे तरीके से एंटोनियो को ये जाहिर तो कर दिया कि वो बार बार उसका इंसल्ट करता था, वो उसे ठीक नहीं लगा, पर फिर भी उसने स्वांग किया, ढोंग रचा दोस्ती दिखाने का, और विदाउट बैज बजानियो और एंटोनियो को लोन देने के लिए तैयार हो गया। बट शाइलॉक आस्क एंटोनियो टू साइन अ बॉन्ड, पर एक शर्त है यहां पर। अब यहां से कहानी का इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है। शाइलॉक ने एक शर्त रखी, शर्त क्या थी, साइन अ बॉन्ड मेंशनिंग सर्टेन डेट्स ऑफ रिटर्निंग लोन। लोन वापस करने के लिए एक बॉन्ड उनको साइन करना है, एक एग्रीमेंट साइन करना है। यही कहानी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। शाइलॉक कौन सा बॉन्ड बनाता है, शाइलॉक उस बॉन्ड में क्या लिखता है, क्या एंटोनियो और बजानियो उस बॉन्ड को एक्सेप्ट करते हैं,
क्या एंटोनियो उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करता है? क्या एंटोनियो के जहाज वापस आ जाते हैं? क्या एंटोनियो समय पर लोन वापस कर देता है? क्या बजानियो की और पोर्शिया की शादी हो जाती है? नेरिसा और ग्रेशियानो दो अलग अलग कैरेक्टर्स कौन है? उनके आपस में क्या संबंध है? ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें इस कहानी में और छुपी है। जानने के लिए देखते रहिए अगला वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।